तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों 17,000 प्लस वैकेंसी को लेकर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों यह अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस अपडेट में यहाँ पर जो सोर्सों की माने तो यह अपडेट निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द इस वैकेंसी की जो परिणामे हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो यहाँ पर UP NHM द्वारा जारी करने वाला है। क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन बहुत ही जल्द उम्मीदवारों के रिज़ल्ट जारी होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अलग अलग ऑल कैटेगरी प्रोग्राम के जो है आंसर की जारी कर दिए गए हैं, और आंसर की जारी होने के बाद अब आप सभी की रिज़ल्ट की प्रक्रिया में UP NHM नेशनल हेल्थ मिशन जुड़ चुका है। और दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सामने रिज़ल्ट जारी होने वाला है। और दोस्तों रिज़ल्ट डेट की मैं आप सभी को फिक्स डेट बताने वाला हूं, क्योंकि यह अपडेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकलों पर, न्यूज़ चैनलों पर और न्यूज़ के आर्टिकलों पर यह अपडेट दी गई है। तो दोस्तों कब तक रिज़ल्ट आएगा, और साथ ही दोस्तों यहां पर वो फिक्स डेट भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पर दोस्तों यहां पर उम्मीदवारों को एक बहुत ही बड़ा डाउट है कटअप को लेकर, क्योंकि दोस्तों कटअप को लेकर उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, और कटअप की जो रेशियो है वो क्या रहने वाली है, ये एक सबसे बड़ा जो है उन्हें अपडेट चाहिए। क्योंकि जब तक उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पर कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे, क्योंकि कई जगहों पर कट ऑफ को हाई भी बताया जा रहा है और कई जगहों पर कट ऑफ को यहाँ पर लो भी बताया जा रहा है। पर दोस्तों जो कट ऑफ की संख्या है वो क्या होने वाली है, एग्जैक्ट क्या रेशियो होने वाली है, दोस्तों कैसे वो अपडेट है, विथ प्रूफ के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो कट ऑफ की रेशियो है वो किस प्रक्रिया से नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा तैयार की जाएगी, और आप सभी को यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का भी इसके अंदर जो है आप सभी को फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों जो 15% जो आप सभी के कोविड सर्टिफिकेट के कारण मिलने वाले हैं वो भी आप सभी को एक बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों क्या है इन प्रक्रियाओं पर पूरी अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि कटअप की कन्फ्यूज़न आज के इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी 100% या कन्फर्म हो जाएंगे कि जो कटअप की रेशियो है वो क्या जाने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी एक या दो या तीन दिन पहले आप सभी की स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो है आंसर की आई। यहाँ पर जो उम्मीदवारों द्वारा जो हमारे तरफ से आप सभी के लिए कटअप बताई गई थी आंसर की ना जारी होने के बाद की, तो उसमें उम्मीदवारों के 60+ बताए जा रहे थे, और उम्मीदवारों ने यहाँ तक कमेंट किया था कि हमारे 70+ बन रहे हैं। पर दोस्तों एग्जैक्टली कुछ उम्मीदवारों के ऐसे भी कमेंट आए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ पर, अभी तक दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से दी जाती है और हर एक स्पेशल नोट भी आप सभी को दी जाएगी। दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आप सभी तक रिक्वायरमेंट को लेकर, आंसर की को लेकर, रिजल्ट को लेकर हो सबसे पहले आप तक वो अपडेट पहुंच जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि नर्सिंग की जो यहाँ पर स्टाफ नर्सिंग की जो आंसर की आई उसके बाद उम्मीदवारों के बिल्कुल ही आधे से भी आधे नंबर हो गए। क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के इतने यहाँ पर जो है जो रेशियो बताए गए थे कि 70+ जो है हमारे नंबर बन रहे हैं, पर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर जो आंसर की जारी की गई उसके बाद उन उम्मीदवारों के यहाँ पर 30 और 31 नंबर ऑफ स्कोर बन रहे हैं, और दोस्तों एक या दो नहीं यहाँ पर काफ़ी उम्मीदवारों के हैं। दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने कहा कि 70+ जा रहे हैं उनकी आंसर की आने के बाद बिल्कुल ही उनके मार्क्स की जो रेशियो है वो बिल्कुल ही गिर चुकी है, बिल्कुल ही लो हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर जो कटअप की रेशियो है वो बिल्कुल ही लो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों लैब टेक्नीशियन, ANM की, स्टाफ नर्सिंग की, दोस्तों जो इन सभी की जो कटअप है वो लो जाने वाली है। पर दोस्तों मैंने कहा कि इन तीनों की जो रेशियो है वो लो जाने वाली है, और इसके अंदर सीट भी काफ़ी वैकेंट हैं। और दोस्तों जो आप सभी की फार्मिस्ट है उसकी कटअप जो है वो हाई जाएगी, क्योंकि उसके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जो उनकी रेशियो है वो भी काफ़ी है इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों स्टाफ नर्स की जो यहाँ पर आंसर की आने के बाद जो कटअप है वो बिल्कुल ही लो हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों आप अदर चीज़ों पर बिल्कुल ही नया ध्यान दें और अपने DB में बिल्कुल ही जुड़ जाएं।
दोस्तों डीवी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए अगर 70 नंबर ही बन रहे हैं, अगर आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं डीवी के लिए, पर दोस्तों अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में एरर हो गया, अपडेट नहीं रहा वो डॉक्यूमेंट, तो आपके ये 70 मार्क्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे और कोई भी काम नहीं आए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक ही मतलब है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल प्रूफ के साथ जो है जो अपडेटेड होने चाहिए उनके साइट पर। और दोस्तों आप सभी के अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर पाया जाता है तो आप सभी को डायरेक्ट ही इस वैकेंसी से आउट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्या कटअप है वो मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूँ कि जो कटअप क्या बन रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट जो कटअप है वो बिल्कुल ही लो जाने वाला है, इस बात की प्रूफ आप ले लीजिए। और दोस्तों रिजल्ट जारी होने के बाद अपने स्कोर कार्ड में आप वो चीज़ देख भी सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कटअप की क्या जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो ऑलमोस्ट कटअप है वो अगर इस कैटेगरी में अगर आपके पास बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जनरल की कटअप अदर स्टेट से जुड़ने से थोड़ी सी हाई हो जाती है, अगर दोस्तों अदर स्टेट नहीं जुड़ते तो आप सभी की काफ़ी कटअप लो हो जाती। दोस्तों अगर अदर स्टेट कैंडिडेट जुड़ रहे हैं तो आप या 50 से अगर 52 आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप इस बार सेलेक्टेड है 100% कन्फर्म ये कह सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट हैं अगर 44 से लेकर 45 के बीच में नंबर ऑफ स्कोर बन रहे हैं तो वो भी कैंडिडेट इस बार 100% सेलेक्टेड हैं 17,000 की प्लस की वैकेंसी में। ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 44 से लेकर यहां पर जो है 44 प्लस अगर नंबर उनके हैं तो वो इस बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। एससी और एसटी की बात करें तो यहां पर जो उनकी 30 के अगर 35 के बीच नंबर ऑफ स्कोर बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट बिल्कुल ही इस भर्ती के लिए सेफ जोन में है। और दोस्तों बिल्कुल ही आप सेफ जोन में हैं और आप सिर्फ अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के हर एक डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें, क्योंकि वही आपको लास्ट में काम आने वाला है, क्योंकि आखिरी प्रक्रिया वही है, उसके बाद आप सभी को अपने अपने नियुक्ति पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं डीवी के लिए, सबसे पहले दोस्तों आपके 10th की सर्टिफिकेट वो बिल्कुल ही आप अपडेटेड चाहिए जो आप सभी के पास है, 12th की चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, नहीं तो यहाँ पर आप सभी की डिप्लोमा ही चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर कोविड सर्टिफिकेट यानी कि कोविड के समय आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी पर अगर आप सभी के लिए यहाँ पर योगदान दिया है और उसके अलावा आप सभी के पास या 6 महीना या 1 साल या 3 साल सॉरी 2 साल या 1.5 साल का सर्टिफिकेट है तो आप सभी के लिए यहाँ पर उस वैकेंसी के अंदर अगर आपने योगदान दिया है तो उसका आपको रेशियो के अनुसार 15% जो है आप सभी को नंबर इंक्रीजमेंट भी मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट इस चीज़ों को कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल ही दोस्तों अपडेट रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यह अपडेट दिया है क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को अपडेट रखना है, क्योंकि उसी के कारण कई लोग यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। और प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया गया था उनके कास्ट सर्टिफिकेट के कारण, क्योंकि कई लोगों को वो पूरे तरह से क्लियर नहीं था और कई लोगों के पुराने थे और कई लोगों के जो नेट पर है वो शो नहीं हो रहे थे, जिसके कारण कई लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसलिए उन चीज़ों को दोस्तों बिल्कुल ही अपडेट कर ले, और दोस्तों अपडेट करने के बाद तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोस्तों मतलब ही है कि हर एक डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ही अपडेट किया जाएगा और सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया, और दोस्तों आखिरी मैं आपको सब लेके बता दूँ कि जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जनवरी और यहाँ पर फरवरी के पहले वीक में आप सभी की जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया है यानी कि दोस्तों जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया है वो यहाँ पर 100% कन्फर्म जो है नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो है आप सभी की जो परिणामे हैं वो यहाँ पर जो है जारी कर दी जाएगी, यानी कि दोस्तों आप सभी की जो रिज़ल्ट है वो आप सभी के 7 फरवरी तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों आपके पास समय बिल्कुल ही कम है, अपने डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर अपडेट कर ले बिल्कुल ही ध्यान के साथ, क्योंकि दोस्तों कितने भी नंबर आपके काम नहीं करेंगे जब तक आके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को यह अपडेट दे दिया, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो अपडेट कर दूंगा, कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए।
हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट आप सभी को शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।